देखिए 10 तारीख को अभी जिनकी हत्या हुई है, रामदर्शन सिंह नाम था उनको, 10 तारीख को स्पीड पोस्ट से पूरे बिहार के प्रशासनिक तंत्र को, डीजीपी से लेकर थाना प्रभारी को, उन्होंने सूचना दी कि हमारे घर पर लोग आए हैं और उन लोगों ने धमकी दिया है कि हम आप तुम्हारा हत्या कर देंगे, अगर तुम गवाही दोगे तो तुम्हारा हत्या कर देंगे। बाय स्पीड रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट इन्होंने इस चीज को पूरे बिहार के प्रशासन में बताया और वही घटना घटने इसको निकलवा के देंगे आपको, जिसको हम निकलवा के दे रहे हैं ये आप अपने पास ले जाइए। और उसी व्यक्ति का 19 तारीख को सेम वही घटना उसी के घर पर होता है, 8 दिन तक प्रशासन सोया रहा, किसी तरह का कोई सुरक्षा उनको नहीं मिला, तो क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं है? आदमी एक तरह का डाइंग डिक्लेरेशन है, ये आदमी कह रहा है कि हमको बचाओ, मैं मारने मुझे अपराधी मार देंगे, और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, 9वां दिन उसकी हत्या हो जाती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से उस व्यक्ति ने स्पीड पोस्ट के द्वारा पूरे बिहार के प्रशासनिक तंत्र को सूचना दिया है। क्या इससे बड़ी विफलता कुछ हो सकती है? क्या प्रशासन का इससे बड़ी विफलता कुछ हो सकती है कि एक वृद्ध व्यक्ति, 70 साल का वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए पूरे बिहार के प्रशासन से गुहार लगा रहा है? अब पूरे बिहार के प्रशासन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको जीवन की रक्षा करने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता और सरकार का संरक्षण तो प्राप्त नहीं है। आखिर अपराधियों का इतना मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है? हत्या पर हत्या क्यों हो रहा है? देखिए, एक नौजवान मुखिया जीत गया, उसको घर के दलान पर हत्या कर दिया गया, क्या वो गुनाहगार था? एक संजय वर्मा वार्ड सदस्य था, उसको घर में मार दिया गया, अभी एक किसान आदमी की हत्या कर दी गई। इस तरह से हत्या का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है? क्यों प्रशासन सजग नहीं है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रशासन में और अपराधियों में कोई तालमेल है, अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। 10 दिन पहले इस व्यक्ति पर गोली चलाकर इसी को फंसाने का काम किया, करने का प्रयास किया था, लोग किया गए नहीं? आप बोलिए, उनके परिजन कौन है? 5 मांग है। क्या क्या मांगे हैं सर? नंबर 1, सुनिए, सब रहेंगे। मैं 1 सेकंड, इस धरना के माध्यम से जो प्रशासन को मैं लिखित रूप से सूचित किया हूं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंकर शर्मा है, मैं नवगांव के प्रखंड कमेटी का अध्यक्ष हूँ, और मेरे ही आवेदन पर ये धरना आयोजन हम लोग किए हैं, और मेरे पंचायत की घटना है। लाइन माइक पर लाइन। कौन से पंचायत से? बड़ी टहरेला पंचायत में रामदर्शन सिंह की हत्या हो गई किसान की। वो 10 दिन पर 10 तारीख को 10/2/2022 को उनके 7 बजे आंगन में, जब उनकी भौजाई खाना बना रही थी, जो इस कांड की वादी है, खाना बना रही थी, 1-2 वर्ष पहले उनके पूर्व की हत्या हुई थी रुपेश कुमार का, उसमें गवाह थे रामदर्शन बाबू। अपराधी पहुंचते हैं आंगन में, धमकी देते हैं कि देश को सुलह करो नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। 10 तारीख को 10/2/2022 को। नेक्स्ट डे ये आवेदन लिखते हैं IG पटना को, सीनियर SP पटना को, CT SP पटना पश्चिम को, थाना प्रभारी नौबतपुर को, DSP फुलवारी शरीफ को देते हैं। इसके बावजूद भी किसी भी तरह का प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया। नतीजतन वो किसान के जिस दिन बेटा की पुण्यतिथि थी उसी दिन उनकी हत्या कर दी गई दलाल पर। ये सोचने की बात है कि अपराधी कितने निरंकुश हैं, प्रशासन का कोई डर नहीं है, निर्भय है, प्रशासन से कहीं ना कहीं मिलीभगत है। और जब हत्या होती है, परिजन जब सूचना देते हैं मोबाइल से, तो थाना प्रभारी कहता है कि क्या आप दिन में अपराधी को देखे हो? बताइए तो इससे स्पष्ट होता है कि थाना प्रभारी के अपराधी से मिलीभगत है और कहीं ना कहीं प्रशासन के नॉलेज में हत्या कराया गया है सुनियोजित षड्यंत्र के तहत। इसलिए इस धरना के माध्यम से हम लोग को 5 मांगे थी। पहला मांग थी इस अपराधियों की स्पीडी ट्रायल कराकर सजा कराई जाए। दूसरा मांग हम लोग का था कि अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, ताकि जो अन्य बचे हुए परिवार परिजन है, जो इस केस में गवाह है, उनकी भी हत्या हो जा सकती है, इसलिए उनको उनकी सुरक्षा प्रदान किया जाए। तीसरा कि मृतक जो थे वो गरीब थे, किसान थे, परिवार थे, छोटे छोटे उनके पोता है, पुत्र की भी हत्या हो गई थी, इसलिए उनको उचित सरकार मुआवजा दे, ये हम लोग का मांग है। और थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। जान माल का कोई सुरक्षा प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। पूरा नौबतपुर प्रखंड, पूरा पटना,
भगवान भरोसे चल रहा है, प्रशासन के भरोसे नहीं चल रहा है। अब प्रशासन के पदाधिकारी जो है खाली ट्रैक्टर में, ट्रक में, बालू में, दारू में मगन है। नवतपुर थाना के जो प्रशासन है उनसे आप क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि अपराध ना हो। एक विधायक, एक आम नागरिक क्या चाहेगा कि आदमी सुख चैन से रहे, अपने भय मुक्त समाज में रहे, किसी प्रकार का अपराध ना हो, हत्या ना हो, किसी की हत्या ना हो, और अपराधियों में एक डर व्याप्त, और अगर हत्या होती है तो त्वरित कार्रवाई, मुहूर्त निकाल के कार्रवाई नहीं होना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। पैसा लेके उसका नाम डाल दिए, पैसा लेके उसका नाम निकाल दिए, ये नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, आदमी के जान माल का रक्षा होना चाहिए, और हत्याओं का जो ये सिलसिला है इस पे एकदम किसी भी कीमत पर आगे इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, और जो घटना घटी है उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर ये धरना कब तक रहेगा? ये धरना हम लोग आज चेतावनी देने के लिए बैठे हैं, सारे महागठबंधन के सदस्य, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हम लोग बैठे हैं कि नौबतपुर की धरती अब आगे हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये हत्याओं को सिलसिला को रोकना होगा, प्रशासन को इस पर सजगता के साथ पेट्रोलिंग, और पेट्रोलिंग बालू के तसीली या दारू के तसीली के लिए न हो, बल्कि अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो सर सरकार से आपकी क्या मांगे क्या है? सरकार से हमारा मांग है कि अपराध पर नियंत्रण, और क्या मांग रहे हैं, अपराध पर नियंत्रण हो, लाओ लोग। आज कोई आदमी घर में हत्या हो रहा है तो प्रशासन कुछ नहीं मदद कर रहा है? अरे प्रशासन तो कर रहा है, चिट्ठी है, देखिए हम आपको चिट्ठी दे रहे हैं, दिखाया जा सकता है। सरकार आप लोगों की बात मानेगी नहीं? कैसे मानेगा, सरकार को बात मानना पड़ेगा, नहीं मानने का कहां प्रश्न है? ये आम नागरिक का सुरक्षा का समस्या है, सरकार आम नागरिक से बड़ा नहीं है। सरकार को आम नागरिक बनाया है और अपनी रखवाली के लिए बनाया है। सर ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगी? धरना प्रदर्शन अभी हम लोग 2 बजे तक करेंगे, और प्रशासन को जागृत करेंगे, 1 हफ्ता का समय देंगे, त्वरित कार्रवाई हो, जितना भी हत्या विगत समय में हुआ है सब पर कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो, और नहीं तो बृहद रूप में होगा। अगर इससे पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं होती तो क्या है? 1 हफ्ता बाद हम लोग 1 हफ्ता बाद नौबतपुर से लेके विक्रम से लेके सब जाम कर देंगे, पूरा आवागमन बंद कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हत्या पर हत्या होते रहेगा, प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। सर आपको नहीं लगता कि पूरा व्यवस्था ही नाकाम हो चुका है? निश्चित रूप से, हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि दारू और बालू में प्रशासन लगा रहता है, अपराधियों को पकड़ने में अगर उतना समय दे तो निश्चित रूप से एक भी हत्या यहाँ पर नहीं होगा। आखिर क्यों रिपीटेडली मर्डर हो रहा है, घर में मर्डर हो रहा है, अब कहाँ जाके अभी रहे? प्रश्न है कि घर के अंदर घुस के लोग मार दिए जा रहे हैं, अब कहाँ जाके रहे? अपराधी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अपराधी का तांडव, इनको रोका जाए किस तरह। और यहाँ पे हमारे साथ विक्रम प्रधान के सौरभ जी हैं, बोलिए आप जी। आप उनका परिचय है? सर आप थाना गए थे? थाना गए तो सूचना मिला, हम तो थे गाँव में, सूचना मिला कि उनको हत्या किया गया। हत्या करते हुए देखे फलना के मुखिया के बेटा हत्या कर, आप देखे है कि हमारे परिजन हमको सूचित किया है जो देखा ये हम लोग का वहाँ अतिथि है, वो लोग आके देखे कि मुखिया के मुखिया के पत्नी जब भी मुखिया है बताओ घर खिला दे, वो गया साथ है दोनों बेटा के साथ है, और धमकी दिया कि केस वापस कहे कि केस वापस नहीं लेंगे, बेटा की हत्या हो गया, केस वापस नहीं, अगले में कहा कि गोली मार दोनों बेटा उनको दला दम गोली मार दिया। देखिए प्रशासन बिहार में प्रशासन का भी एक मकसद है, कोई मर्डर होता है उसमें अभियुक्त को नहीं पकड़ना, केस को तोड़ मरोड़ के 4 गो निर्दोष को पकड़ के अपराधी साबित कर केस को रफा दफा कर देना, यही पूर्व में होते आ रहा है।
यही मुखिया की हत्या में हुआ, मारे वाला कोई नहीं धरा है। ऑनरेबल प्रिंसिपल फंसा के पांचों को पकड़ के जेल में भेज दिया, खाना पूर्ति कर दिया गया। अपराधी वही घूम रहा है, वही अपराधी निरंतर अपराध कर रहा है और आम आदमी चुन चुन कर मारा जा रहा है। पूरे प्रखंड में भय भय व्याप्त है और दौलतपुर को अपराध मुक्त बनाकर ही हम लोग दम लेंगे। विक्रम विधायक जिंदाबाद, 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 विक्रम विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए अभी मुख्य जो हम लोग का डिमांड है वो है कि नवतपुर विक्रम जो क्षेत्र है ये अपराध मुक्त हो। ये रूपेश का जिस समय हत्या हुई थी इनके पुत्र का, उस समय भी यही थाना प्रभारी थे, मिली भगत। तो एक प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतना हौसला कैसे बुलंद है अपराधियों का? सही है, इतना हौसला कैसे बुलंद है अपराधियों का? आखिर कौन कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन दे रहा है कि इतना बुलंदी से घर में दलाल में जिसको जहां मन कर रहा है मार के लोग फेंक दे रहा है? आखिर क्यों एक दहशत नहीं है अपराधियों में प्रशासन के द्वारा? एक बहुत बड़ा ही मुद्दा है। अपराधी का अपराधी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अपराधी का तांडव इनको रोका जाए पूरी तरह। और यहाँ पे हमारे साथ विक्रम विधानसभा के सौरभ जी हैं, बोलिए आप जी। आप उनका परिजन है? हाँ, सर आप खाना गए? हमें सूचना मिला, हम लोग अपने गाँव में सूचना मिला कि उनको हत्या किया गया है। हत्या करते हुए देखे फलवा के मुखिया के बेटा हत्या कर कि हमारे परिजन हमको सूचित किया है जो देखा ये हम लोग का वहाँ अतिथि है, वो लोग आके देखे कि मुखिया के मुखिया के पत्नी जब भी मुखिया है बकावान घर पिला दे वो गया साथ है, दोनों बेटा के साथ है और धमकी दिया केस वापस केस वापस नहीं लेके बेटा की हत्या हो गया केस वापस है। अपने में कहा कि गोली मार दोनों बेटा उनको दला दम गोली मार दिया। प्रशासन को एकदम मैंने कुछ अच्छी चुप्पी है, चुप्पी साधे हुए कुछ नहीं, लेकिन अधिकारी अब तक हुआ है ना कुछ। देखिए प्रशासन बिहार में प्रशासन का भी एक मकसद है, कोई मर्डर होता है उसमें अभियुक्त को नहीं पकड़ना, केस को तोड़ मरोड़ के चार गो निर्दोष को पकड़ के अपराधी साबित कर केस को रफा दफा कर देना, यही पूर्व में होते आ रहा है। यही मुखिया की हत्या में हुआ, मारे वाला कोई नहीं धरा है। ऑनरेबल प्रिंसिपल फंसा के पांचों को पकड़ के जेल में भेज दिया, खाना पूर्ति कर दिया गया। अपराधी वही घूम रहा है, वही अपराधी निरंतर अपराध कर रहा है और आम आदमी चुन चुन कर मारा जा रहा है। पूरे प्रखंड में भय भय व्याप्त है और दौलतपुर को अपराध मुक्त बनाकर ही हम लोग दम लेंगे। विक्रम विधायक जिंदाबाद, 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 विक्रम विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए अभी मुख्य जो हम लोग का डिमांड है वो है कि नवतपुर विक्रम जो क्षेत्र है ये अपराध मुक्त हो। ये रूपेश का जिस समय हत्या हुई थी इनके पुत्र का, उस समय भी यही थाना प्रभारी थे, मिली भगत।
तो एक प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतना हौसला कैसे बुलंद है अपराधियों का? सही है, इतना हौसला कैसे बुलंद है अपराधियों का? आखिर कौन कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन दे रहा है कि इतना बुलंदी से घर में दलान में जिसको जहां मन कर रहा है मार के लोग फेंक दे रहा है? आखिर क्यों एक दहशत नहीं है अपराधियों में प्रशासन के द्वारा? ये बहुत बड़ा ही मुद्दा है। कैसे काहल मिर्चा के तो मारिए दिले घर में खेल के दुतला पर चढ़ के तीर के आंगू में से हमरा हम धैले ही हमरा बिग दिलक भीती पर बिग के बेटा के जान मार दिलक बबुआ बबुआ कह के रोयली कि बबुआ हो बबुआ बबुआ तो कहलक पपुआ के मार भोसरी के तो वो घड़ी मारलक बेटा के अबरी हर देवर कुर्सी पर अपन घर में बैठल दोनों भाई मिल के बैठल आये लोने से पपुआ के बेटा दोनों आ दोनों बेटा आके आ कहलक कि का चाहिए थे कि का चाहिए थे कुछ ना चाहिए थे इतना चाहिए थे रे मादर चोत आ कह के पटाख दिन गोली मारलक तो पखुरा में लग दूसरा गोली मारलक तब धर ले गोड़ ऐसे मारे लगल मैं गिर गए हम गिरला पर में कनपट्टी में गोली मार दल और कनपट्टी में गोली मारलक तो कूदे लग रहा फिर तीसरा गोली मार दल फिर हमने उनका धर ले लिया अब न जाने की कितना गोली चल रहा है होश में न रहे। 10 तारीख आ 10 तारीख के पहले हम रोटी बनावी थी रोटी बनावित में आयल आकर मेहरारू कहलक कि अगर रंडी आ केस सुलह करबे कि ना ओकर बेटा गाड़ी दिल ऐसे ताकली तो कहली कि है न केस तो न सुलह करम ये रेत आ जा तो ऊपर केस न सुलह कर आ तो न करबे आ तो न दोनों बेटन लगे आ अथी धर्मशिला देवी मुखिया है वो लग गए आ हमने इनके बड़ी मार मार ओकरा फर हमर देवर के निकल के बहरी निकल के आ कहलक छिंडरपत कहलक है यहाँ में सोना है यहाँ में गोरेला में लड़की के आ उनका भी चले आके कह दल कि हमरा पर यही गोली चलन मारी थका के आके धर के आ बड मार मार लग मुखी मुखी वो आ दोनों कर का नाम है देवर के अपने का? हमर देवर के राम दर्शन से घर कहाँ है? घर छोटी अभी अपने के का मांग है? हमरा तो मांग पूछी विधायक में कितने लोग पकड़े जाते हैं, मोटरसाइकिल से कोई व्यक्ति जा रहा है तो कागजात के नाम पर उसको किस तरह टॉर्चरिंग किया जाए, कितना बेइज्जत किया जाए। मैं आ रहा था तो महत्व